हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एक बार फिर से पेंशनर से रिलेटेड जो अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। नॉर्मली पेंशनर से जो भी रिलेटेड अपडेट होता है वो हम ज़रूर डिस्कस करते हैं, और ख़ासकर अगर ये PCDA की वेबसाइट पे आए। जैसा कि आप जानते हैं कि PCDA इलाहाबाद की वेबसाइट पे सभी पेंशन से रिलेटेड अपडेट्स आते हैं, जहाँ भी पेंशन डिसबर्समेंट, रिवीजन ऑफ पेंशन या PPO से रिलेटेड जब भी कोई नया अपडेट आता है वो PCDA की जो वेबसाइट है वहाँ पे पहले प्रकाशित करते हैं। तो अभी जो है इसी मंथ जो है PCDA की वेबसाइट पे एक और जो है स्पेसिफिकली पेंशनर्स के लिए जो लेटेस्ट अपडेट आया है हम उसके बारे में बात करेंगे कि अभी पेंशनर्स से रिलेटेड किन पेंशनर्स से रिलेटेड अपडेट है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आपको पूरा का पूरा ऑफिस ऑर्डर दिखाऊंगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूं। कहने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप खुद जो है उस ऑफिस ऑर्डर को देखें और आपको क्लैरिटी हो। और ये उन पेंशनर्स के लिए जो स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं कि पेंशनर्स के लिए क्या अपडेट है, किस तरीके से गवर्नमेंट ने कोई नया आदेश लाया है। और आप देख सकते हैं इसमें हम बात करेंगे, डिसेबिलिटी पेंशन की भी बात करेंगे कि जो डिसेबिलिटी पेंशनर्स हैं उनसे क्या रिलेटेड अपडेट है। प्लस इसमें हम बात करेंगे जो इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो अभी बेसिकली जो है 2-3 पन्नों का ये ऑफिस ऑर्डर आया हुआ है, तो हम बात करेंगे उसके जो मेन पॉइंट्स हैं जो कि उस ऑफिस ऑर्डर में मेंशन किए गए हैं, और किस तरीके से जो है स्पेसिफिकली जो है पेंशनर्स और जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसके अलावा जो उनसे रिलेटेड जो इनकम टैक्स है वो किस तरीके से उस पर इफ़ेक्ट करेगा, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले डिस्कस करते हैं आज के जो ये लेटेस्ट अपडेट है जो कि स्पेसिफिकली पेंशनर्स के लिए है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये है वो सर्कुलर, और इस सर्कुलर में आप देख सकते हैं कि जो एग्जम्पशन है जो डिसेबिलिटी पेंशन से रिलेटेड है उसमें आप देख सकते हैं कि एग्जम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स सर्विस एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांटेड टू डिसेबल्ड पर्सन ऑफ आर्म फोर्सेस। तो ये बेसिकली जो डिसेबिलिटी पेंशनर हैं जो कि आर्म फोर्सेस को दिया जाता है, हु हैव बीन इनवैलिडेटेड आउट ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी एट्रीब्यूट्स। तो उसमें आप दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ऑर्डर भी है, और ये आप पढ़ सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं आपको जो इससे रिलेटेड जो मेन ऑर्डर है जो कि आपको जानना ज़रूरी है वो आप देख सकते हैं कि द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड इन द बोर्ड द नोटिफिकेशन नंबर 878F डेटेड दिस प्रोवाइड्स इनकम टैक्स एग्जम्पशन टू ऑल मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस। सभी जो आर्म फोर्सेस के मेंबर्स हैं who have been invalidated for naval, military or air force service on account of disability attribute or aggravated by such service। तो जितने भी ऐसे लोग हैं उन सबको जो है इनकम टैक्स, they will be provided इनकम टैक्स exemptions, और उसमें categorically mention किया गया है कि कौन कौन से लोग जो है इसमें शामिल है और किस तरीके से उनको जो है ये इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। और उसमें आप देख सकते हैं आगे ये भी लिखा है कि फर्दर सच टैक्स एग्जेम्पशन विल बी अवेलेबल ओनली टू आर्म फोर्स पर्सनल हु हैव बीन इनवैलिडेटेड फ्रॉम सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ बॉडिली डिसेबिलिटी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं स्पेसिफिकली जो डिसेबिलिटी पेंशनर है, और ख़ासकर ये जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, जिसमें कि नेवल, मिलिट्री और एयरफोर्स पर ये लागू होता है, और इनकम टैक्स से एग्जम्पशन का पूरा क्लियर कट जो है ऑर्डर आया जो कि PCDA की वेबसाइट पे जो ये सर्कुलर जारी किया गया है। तो दोस्तों, ये था पेंशनर से रिलेटेड जो डिसेबिलिटी पेंशन है उससे रिलेटेड अपडेट। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।